नमस्कार, मैं हूं संजय शुभांकर और आप सुन रहे हैं कहानियां स्टोरी प्लैनेट पर। पिछली बार स्टोरी प्लैनेट पर आपने सुनी सुमन उपाध्याय जी की कहानी बायोस्कोप वाला। शुक्रगुजार हूं आप सबका कि आपने उस कहानी को अपना भरपूर प्यार दिया और खूब सराहा। तो आज की इस कड़ी में एक बार फिर प्रस्तुत है सुमन जी की एक और बहुचर्चित और भावपूर्ण कहानी शैयादान। तो प्रस्तुत है सुमन उपाध्याय जी की कहानी शैयादान। खंभे की ओट लिए निर्लिप्त भाव से बैठी भाव्या आंगन में आए तमाम रिश्तेदारों, पड़ोसियों और अपनी मां के एकादशा का श्राद्ध कर्म एकटक देख रही थी, ऐसे जैसे देखकर भी कुछ न देख रही हो। स्मृतियों में बसी उसकी मां की तस्वीर सामने रखी थी और उस तस्वीर को देखते देखते अचानक उसे लगा जैसे निष्प्राण तस्वीर में समाई उसकी मां किसी भंवर से जागृत हो उठी हो और उस भंवर में उसका सारा वजूद डूबता चला जा रहा हो। ये क्षणिक स्थिति थी। अगले ही पल उसे लगा कि जैसे उसकी मां उसके सामने खड़ी हो, साक्षात सशरीर और मंद मंद मुस्कुराती हुई। अपनी मां की ये मीठी मुस्कान उसे खींच ले गई थी अतीत की अतल गहराइयों में, जहां मां एक हंसती बोलती सबका ख्याल रखती एक अनुपम और सजीव व्यक्तित्व थी। समस्त सांसारिक दुखों को सहती और फिर भी हरदम मुस्कुराती हुई मां। हफ्ते भर पहले बुआ अपने दोनों बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने आई थी। बच्चों ने खजुराहो जाने की जिद की और उन्हें पता था कि मामा उनकी जिद खाली नहीं जाने देंगे। ऐसा ही हुआ, मामा ने मान ली उनकी बातें और दो दिन बाद जब निकलने का समय हुआ तो कई दिनों से बीमार भाव्या की मां ने सच्चिदानंद से कहा था, देखिए कई दिनों से हमारी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, अभी आप कहीं दूर ना जाएं तो अच्छा रहेगा, बहुत कमजोरी सी लगती है, किसी बड़े डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए हमें। अरे ये भी कोई बीमारी है, और वैसे भी घर में अम्मा हैं ही और अभी तो दीदी भी आ गई हैं, अगर कोई ऐसी ज़रूरत पड़ भी गई तो गांव में डॉक्टर है, बुलवा लेना उसे। भाई हम यहाँ रहकर भी क्या कर लेंगे, जो करना है वो तो डॉक्टर ही करेगा ना। सच्चिदानंद ने बहुत ही लापरवाही से इस बात का जवाब दिया था। पता नहीं क्यों मन बहुत घबरा रहा है मेरा। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ ही रहते, घूमना फिरना तो बाद में भी हो सकता है। अरे ऐसा क्या हो गया है, अरे एक हफ्ते की ही तो बात है, बच्चे हैं, छुट्टी में आए हुए हैं, कुछ दिन साथ रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, कौन रोज रोज आते हैं। इस बार सच्चिदानंद थोड़ा चिढ़ते हुए इस बात को बोले, ठीक जैसा आप समझें। और ये कहती हुई भाव्या की मां कमरे से बाहर चली गई। संयोग से दरवाजे पर खड़ी भाव्या ने सब कुछ सुन लिया था। मां कमरे से बाहर निकलने लगी तो उसकी नजर भाव्या पर पड़ी थी। मां कुछ पूछे इससे पहले भाव्या ने कहा, हम बाबूजी से बात करते हैं। नहीं नहीं रहने दे, क्या बात करनी है बाबूजी से? अरे वो खुद ही समझदार हैं, कुछ सोच समझ कर ही बोले होंगे। और ये कहते हुए भाव्या को लेकर वो वहां से चली गई। सच्चिदानंद बच्चों को लेकर चले गए थे घूमने घुमाने, भाव्या को भी चलने को कहा था पर उसने साफ मना कर दिया था। भाव्या को जिसकी आशंका थी वो सच हो गई और उनके जाने के दूसरे दिन से ही मां की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। चौथे दिन सुबह जब मां देर तक सोती रही तो भाव्या खोज खबर लेने के लिए मां के कमरे में पहुंची। मां का शरीर निस्पंद देखकर उसने बड़ी बेसब्री से झकझोर कर उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन मां के शरीर में कोई हरकत नहीं हुई थी। भाव्या घबराकर भागती हुई गांव के डॉक्टर को बुलाने गई और संयोग से डॉक्टर घर पर ही थे और भाव्या की घबराहट देखकर तुरंत उसके साथ चल पड़े। घर पहुंचकर सीधे बिस्तर पर पड़ी मां के पास रुके और पहली नजर में स्थिति की गंभीरता भांप ली थी उन्होंने।
माँ की नब्ज टटोलते हुए उन्होंने कहा था कि हालत हालत बहुत खराब है, जल्द ही किसी बड़े अस्पताल में ले जाना पड़ेगा। देखो बनारस ले जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे सच्चिदानंद जी कहाँ हैं? भाव्या गुस्से से बोल पड़ी थी, वे नहीं हैं, सैर सपाटे पर गए हैं। लेकिन कोई नहीं डॉक्टर साहब, हम ले जाएंगे अम्मा को बनारस। पास खड़ी उसकी दादी और बुआ उसकी बातें सुनकर अवाक रह गई थी। कोई और समय होता तो भाव्या की बदतमीजी पर उसे उनकी फटकार सुननी पड़ती, लेकिन वक्त और उसकी भावनाओं को समझते हुए किसी ने कुछ भी नहीं कहा। और डॉक्टर भी हैरानी से भाव्या की ओर देखते हुए बोले थे, चलो बेटा हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ, देखो हमसे जितनी मदद हो सकेगी हम करेंगे। आनन फानन में भाव्या अपनी माँ को लेकर अपनी बुआ और डॉक्टर के साथ बनारस पहुंची। BHU हॉस्पिटल के डॉक्टर ने देखते ही कहा था कि देखिए पीलिया एडवांस स्टेज पर पहुंच चुका है, कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, फिर भी हम कोशिश करते हैं। भाव्या हताश होकर बैठ गई थी, लेकिन अब इससे कोई फायदा होने वाला नहीं था। बुआ ने जल्द ही बाबूजी को खबर भिजवा दी थी। इधर भाव्या की मां की तबीयत लगातार बिगड़ती चली जा रही थी। वो बार बार सच्चिदानंद के बारे में पूछती, जैसे उन्हें आभास हो गया था कि अब उनके जीवन के ज्यादा दिन बचे नहीं हैं। माँ की बढ़ती हुई बेचैनी देखकर भाव्या बार बार उन्हें समझाती कि अम्मा अम्मा तुम चिंता मत करो अम्मा, बाबूजी जल्दी ही आ जाएंगे और तुम भी ठीक हो जाओगी। हाँ माँ बड़ी मुश्किल से कहती कि अब क्या ठीक होंगे बेटा, बस प्राण छूटने से पहले वो आ जाते तो कहीं कहीं ऐसा ना हो कि उनके आते आते देर हो जाए। अच्छा हुआ कि बनारस आ गए, कम से कम मुक्ति तो मिल जाएगी यहां पर। मां की बातें भाव्या के लिए असह हो गई थी, आंखें भर आई थी, वो क्या कहे क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस अपने बाबूजी की राह देखने के सिवा कुछ भी कर नहीं सकती थी वो। बाबूजी अपनी यात्रा अधूरी छोड़कर वापस आ गए थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, माँ की अंतिम इच्छा पूरी नहीं हो सकी थी। बाबूजी माँ के पास थे, पर माँ की आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। माँ बाबूजी का आखिरी दर्शन भी नहीं कर पाई। अपने पति की आखिरी झलक पाने की आस लिए वो अनंत यात्रा पर निकल चुकी थी। खैर बाबूजी माँ के अंतिम संस्कार के लिए आ चुके थे। बनारस में ही दाह संस्कार करके सभी लौट आए थे। कुछ दिनों तक पूरा घर संवेदना प्रकट करने आए दोस्तों और रिश्तेदारों से भरा हुआ था, लेकिन पर इतने सारे लोगों के बीच भाव्या बिल्कुल अकेली हो गई थी। उसने खामोशी की ऐसी चादर ओढ़ ली थी कि किसी से चाह कर भी कोई बात नहीं कर पाती थी। और इसी बीच श्राद्ध कर्म का दिन भी आ गया। सभी उसकी तैयारी में लग गए थे, पर अब भाव्या के लिए उन कर्मों का कोई महत्व नहीं था, कोई मतलब नहीं रह गया था। उस दिन पूरे आंगन में ना हन्यते हन्य माने शरीरे के स्वर गूंज रहे थे। भाव्या के कानों से गीता के पुण्य श्लोक लगातार टकरा रहे थे और उसकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। तभी पुरोहित ने वैदिक मंत्रों का पाठ करना शुरू कर दिया था और मंत्रोच्चार से भंग हुई थी भाव्या की तंद्रा। उसका ध्यान गालों तक बह आए आंसुओं पर गया, दुख मिश्रित आश्चर्य से भर उठी थी वो। उसे पता ही नहीं चला था कि कब उसकी आंखें रो पड़ी। मन की दशा बड़ी विचित्र होती है, कभी कभी मन को शरीर की क्रियाओं का ध्यान भी नहीं रहता। खैर उसने तत्काल अपने आंसुओं को दुपट्टे से पोंछ लिया था, जिसे मां की आत्मा की शांति के लिए उसका रोना एकदम मना हो।
कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि तस्वीर से झांकती माँ को उसके आंसू से तकलीफ हो रही होगी, क्योंकि एक माँ के लिए अपनी बेटी को आंसू बहाते देखना निश्चय ही असह्य होगा, भले ही वो संसार के नश्वरता से मुक्त पा गई हो। पर सूक्ष्म रूप से भाव्या उसे अपने आसपास ही महसूस कर रही थी। भाव्या अपना दुख छुपाने की कोशिश में आंगन में चल रहे एकादशा के श्राद्ध कर्म को देखने लगी थी। आसन लगाए पंडित जी बड़े मनोयोग से श्राद्ध की सारी रस्में पूरी करवा रहे थे। मां की शांति के लिए जो भी हो रहा था पूरे विधि विधान से हो रहा था। और उसी समय शैयादान के लिए कुछ लोग एक सुंदर सा पलंग लेकर आए, जिसे भाव्या के बाबूजी ने हाथों से स्पर्श कराकर दान स्वरूप एक तरफ रखवा दिया। भाव्या की निर्विकार आंखें थोड़ा सजग हो गई थी, जैसे कुछ प्रश्न हो उसकी आंखों में, पर वो कुछ कह नहीं पाई। पंडित जी ने उसके बाबूजी को समझाने के भाव से कहा, देखिए सच्चिदानंद जी, ये दान उस पवित्र आत्मा की शांति और सम्मान में किया जाता है जो इस भौतिक शरीर के बंधन से मुक्त हो गई हो। ये सही है कि यह दान कर्म है, पर इन पर पूर्ण रूप से अधिकार उनका ही है। जी पंडित जी, सच्चिदानंद ने बड़े निर्विकार भाव से स्वीकृत में सिर हिला दिया था। सच्चिदानंद के चेहरे पर स्थायी भाव से नजर टिकाए हुए पंडित जी बोलते चले जा रहे थे कि क्योंकि अगर उनका भौतिक शरीर जीवित होता तो इन वस्तुओं का उपभोग करता, इसलिए आप जिन वस्तुओं को अपनी पत्नी के सम्मान में दान देना चाहते हैं दे सकते हैं। और ये कहते हुए पंडित जी ने हाथ से उस तरफ इशारा किया जिस तरफ साजो सामान रखा हुआ था। भाव्या ने गहरी सांस लेते हुए दान के लिए लाए गए साजो सामान को बड़े गौर से देखा। सच्चिदानंद ने वहां मौजूद अन्य रिश्तेदारों को इशारे से दान की वस्तुओं को आगे बढ़ाने के लिए कहा। कुछ रिश्तेदारों ने आगे बढ़कर रोल किए हुए गद्दे और तकिए को सच्चिदानंद के हाथों से छुआते हुए पंडित जी के इशारे पर दूसरी तरफ रख दिया। भाव्या को याद आया कि उसकी मां आजीवन कथरी पर सोती रही थी। एक बार उसने अपनी मां से पूछा भी था कि अम्मा अम्मा तुम ऐसे नीचे कथरी पर क्यों सो जाती हो। तो क्या हुआ बेटा? अरे तो क्या हुआ बेटा, उधर पलंग पर तुम्हारे बाबूजी सो जाते हैं, मेरा क्या है, सुबह जल्दी जागना होता है, 4-5 घंटे की नींद कैसे कट जाती है पता ही नहीं चलता, हंसते हुए मां ने जवाब दिया था। मां का जीवन किसी चलचित्र की तरह भाव्या के मस्तिष्क में घूमने लगा। तमाम रस्मों रिवाजों ने जैसे उसे मूक दर्शक बना दिया था। उसके मन में कई कई सवाल उठने लगे थे कि क्या सचमुच मां ने अपना जीवन पूरे अधिकार और अपनी इच्छा से जिया है? जिन भौतिक सौगातों की भेंट मां की आत्मा को दी जा रही है, क्या अपने जीवन काल में उसने कभी उसका उपयोग किया था, और अगर किया भी था तो कितना किया था? ऐसे न जाने कितने ही सवाल भाव्या को झकझोर रहे थे। एकाएक भाव्या की नजर अपने बाबूजी पर ठहर गई थी। एक रिश्तेदार ने कुछ साड़ियां और शॉल उसके पिता की ओर बढ़ाया और वो उसे मां की आत्मा को भेंट कर रहे थे। भाव्या के मन में मां की तस्वीर कौंध गई। जब हड्डियों को कपकपा देने वाली ठंड में मां एक पुराना सा शाल ओढ़े थी जो एक जगह से फटा भी था। एक बार उस फटे शॉल की मरम्मत करते देखकर भाव्या ने मां से कहा था कि अम्मा अम्मा इसे सिलने से तो अच्छा है कि बाबूजी से कहकर एक नया शॉल मंगवा लो, ये भी कितना पुराना हो गया है, इससे कहां ठंड जाती होगी तुम्हारी। अब ऐसा पुराना भी नहीं हो गया है बेटा, ये सिल जाएगा तो काम लायक हो जाएगा, क्या बात बात में तेरे बाबूजी को परेशान करती रहूं, तू जा अपना काम कर, बेकार की बातों में अपना माथा मत खपाया कर। मां ने फिर ऐसा ही उत्तर दे दिया था। भाव्या खींच कर वहां से चली गई। औरतों के लिए पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था, त्याग और कर्तव्य को अपने आसपास
बचपन से देखती आई थी भाव्या। उन सब के प्रति उसके मन में कितने ही सवाल उठने लगे थे और अनचाही ही उसका मन विद्रोह की पृष्ठभूमि रचने लगा था। महादान का टंट घंट देखते हुए भाव्या की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो भाग जाना चाहती थी वहां से, पर उसका शरीर जैसे जड़ हो गया था। अपने हाथों से एक जुड़ी चप्पल दान करते अपने पिता को देखकर उसके चेहरे पर एक विकृत सी हंसी उभर आई थी। उसी विकृत मुस्कान के साथ उसकी नजर एक बार फिर अपनी मां की तस्वीर पर जा ठहरी और एक बार फिर से यादों के भंवर में डूबती हुई वो अतीत में पहुंच गई थी। बरामदे में किताब के पन्ने पलटकर भाव्या का ध्यान अचानक अपनी मां पर गया, जो आंगन में झाड़ू लगाते लगाते उफ करके बैठ गई थी। शायद कुछ चुभा था मां के पैरों में। भाव्या ने किताब एक तरफ फेंकी और दौड़ती हुई पहुंची मां के पास और मां के पैर से कांटा निकालते हुए उसने कहा था कि चप्पल क्यों नहीं पहना अम्मा, कहां है तुम्हारी चप्पल? अरे होगी कहीं, काम की जल्दी में ध्यान नहीं रहता है ना बेटा। कुछ नहीं हुआ, तू जा अपनी पढ़ाई कर, मां लापरवाही से जवाब देते हुए उठकर जाने लगी थी तो भाव्या ने उसे रोकते हुए कहा था कि तुम रुको, हम अभी लेकर आते हैं, और वो चप्पल लेने चली गई थी। बरामदे में एक और रखी एक जोड़ी हवाई चप्पल उठाकर उसे लेकर वो आगे बढ़ने को ही थी कि उसका ध्यान चप्पल के टूटे हुए फीते पर गया और खींचकर उसने चप्पल को वहीं पटक दिया और मां को अपने पैरों की चप्पल पहनाई थी। ये लो इसे पहनो। अम्मा अपना ध्यान खुद नहीं रखोगी तो कौन रखेगा? तुम सिर्फ दूसरों के लिए मरती रहती हो, अपनी जरूरतें तो तुम्हें समझ में ही नहीं आती। अम्मा पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ था और मां ने हंसते हुए कहा था, अरे बस कर मेरी अम्मा, एक चप्पल के लिए इतना भाषण मत दे, मंगा लेंगे तेरे बाबूजी से, अब तू कह दे तो जाऊं। और दोनों हंस पड़ी थी। मंत्रों के स्वर असह लगने लगे थे, उसे सब कुछ झूठा दिखता और आडंबर सा लगने लगा था। भाव्या बेचैनी से उठ खड़ी हो गई थी, उसके चेहरे का रंग बदलने लगा था। दान के लिए रखे सोने के चमचमाते गहनों, गले का चैन, कान के फूल और सोने की चूड़ियों को देखना उसके लिए किसी कठोर मानसिक यंत्रणा से कम नहीं था। अब स्वर्ण दान का सिलसिला शुरू हुआ तो वो तिलमिला गई एकदम से। गुस्से और बेचैनी से उसने अपना मुंह दूसरी ओर फेर लिया था। उसकी मां ने अपने जीवन काल में जो गहने पहने थे वो उसकी आंखों के सामने एक बार फिर गूंज गए। गहनों के नाम पर उसने मां के गले में लाल धागे में पिरोया हुआ एक छोटा सा जीवतिया पहने ही देखा था अक्सर मां को, और हाथ में कुछ लाल चूड़ियां। एक बार भाव्या ने टोका भी था, पर मां ने हमेशा की तरह हंसकर टाल दिया था कि तुम्हारी दादी ने सब कुछ संभाल के रखा है बेटा, कोई खास मौका होगा तो पहन लूंगी, और वैसे भी तेरे बाबूजी के होते हुए हमें किसी और गहने की जरूरत ही क्या है। भाव्या सोच में पड़ गई थी कि न जाने औरतों को जीने के लिए किसने ऐसे फलसफे गढ़े होंगे, क्योंकि ऐसी परंपराओं को एक औरत से दूसरी औरत तक पहुंचाने के लिए एक औरत को ही मोहरा बनाया जाता रहा है। शायद उनकी प्रकृति ही उनके पैरों की बेड़ियां बन गई होंगी। तभी तो ऐसी परंपराओं के कुछ संस्कार एक मां से बेटी और कुछ संस्कार एक सास से बहू को दिलवाए गए। लेकिन इन सवालों को वो पूछे तो किससे पूछे? अम्मा से पूछती तो झड़क देती, दादी से पूछती तो बदतमीज कहलाती, और अगर समाज से पूछती तो असभ्य और संस्कारहीन कही जाती। आत्मा की शांति के नाम पर चल रहे इस क्रियाकर्म ने आखिरकार भाव्या की सहनशीलता को उस छोर पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां संयम और विवेक ने उसका साथ छोड़ना शुरू कर दिया, और वो श्राद्ध कर्म के अंतिम दौर तक पहुंचते पहुंचते अजीब सी हरकतें करने लगी थी। अचानक उसने हंसना शुरू कर दिया और वो लगातार हंसे जा रही थी। घर वालों को लगने लगा था कि वो पागल हो गई है। सच्चिदानंद तो बहुत ही परेशान हो गए थे। आंगन में मौजूद तमाम लोगों ने कानाफूसी शुरू कर दी थी। कोई कहता कि मां के मरने का सदमा लगा है, तो कोई दूसरा कहता कि
माँ की आत्मा का साया पड़ गया इसके ऊपर। सब अपनी अपनी मानसिक स्थिति के आधार पर अपने विचार व्यक्त करने लगे थे। उसकी विक्षिप्त हंसी देखकर पंडित जी सहित सभी अपनी जगह से उठ गए। घर के लोग, उसकी दादी और रिश्तेदार उसे सांत्वना देने और समझाने के लिए जब उसके पास पहुंचे तो वो एकदम से आक्रामक होकर आसपास की चीजों को यहां वहां फेंकने लगी, जैसे जैसे सारी व्यवस्था बदल कर माने की। उसकी अवस्था देखकर सच्चिदानंद आगे बढ़े और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रोकने की कोशिश की। भाव्या, भाव्या, ये क्या पागलपन है बेटा, हम हैं ना, होनी को कौन टाल सकता है। देखो, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। पर वो जैसे कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। सभी अपनी जगह जड़ हो गए थे। भाव्या के पिता हतप्रभ होकर दो कदम पीछे हटे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करें तो क्या करें। वो कुछ कहते इससे पहले ही भाव्या चीख पड़ी थी कि बंद कीजिए, ये हक और अधिकार का पाखंड, ये आत्मा के सम्मान और शांति का पाखंड, ये कैसा हक है जो मरने के बाद ही दिया जाता है? क्या जिंदा लोगों का कोई हक और सम्मान नहीं होता? अगर ये उसका हक था तो उसे जीते जी क्यों नहीं दिया गया? जिसका शरीर जीते जी अतृप्त रहा हो, मरने पर उसकी आत्मा को शांति कैसे मिल सकती है? कभी नहीं शांत हो सकती उसकी आत्मा। और इतना कहकर रोती हुई भाव्या कमरे में भाग गई थी। पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया था। सच्चिदानंद और पंडित जी के साथ वहां मौजूद तमाम लोग स्तब्ध से ये सब देखने और समझने की कोशिश कर रहे थे। तो ये थी सुमन उपाध्याय जी की कहानी शैयादान। अगली बार फिर एक नई कहानी के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए। धन्यवाद।